पीएमई के ट्रस्ट के जेर मातहत चलाई जाने वाला इदारा लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान की जानिब से मैं मौलिमा नाजिया अशफाक शेख आपके सामने जमात पंजुम की जमात पंजुम का मजमून माहौल का मुतालिया उसमें माहौल का तवाजन इस उन्वान पर वजाहत करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम आज पांच नुकात पर माहौल का मुशाहिदा, माहौल, गिजाई संजीव, आबी चक्कर और शाही करके इन पांच नुकात पर हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले माहौल का तवाजन। तो बच्चों, आपकी किताब में माहौल का मुताला हिस्सा एक, इस किताब में सफा नंबर 18 पर हमारा उन्वान है माहौल का तवाजन। माहौल के तवाजन में जो जानदारों का मुशाहिदा है, ये शक्ल पर आप गौर कीजिए, इस शक्ल में आपको क्या क्या नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो बच्चों, इस शक्ल में जानदारों का मुशाहिदा जो दिया गया है, कुछ जानदार पानी के ऊपर, पानी के अंदर, जैसे कि मछलियां उछल रही है, पानी के अंदर मौजूद है। कुछ जानदार घास में नजर आ रहे हैं, जैसे गाय, बकरी वगैरह। कुछ जानदार जो है यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे, जैसे खरगोश है, मेंढक है, और यहाँ पर जो है एक लड़की है, आदमी है और एक बच्चा है। यानी ये और आसमान में जो है कुछ परिंदे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये तमाम जो है वो जानदार है। तो हमने आज क्या देखे, जानदारों का मुशाहिदा। हमारा माहौल जो है जानदार और गैर जानदार, ये दोनों मिलकर बना है। तो सबसे पहले हमें ये चीज जानना है कि माहौल किसे कहते हैं। देखो, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, माहौल का मुशाहिदा। माहौल का मुशाहिदा यानी क्या होता है, हमारे आसपास रहने वाली तमाम चीजें। अब देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है माहौल, माहौल किसे कहेंगे। माहौल यानी जो हमारे आसपास इर्द गिर्द में जितनी भी चीजें शामिल है वो माहौल का माहौल कहलाता है, या फिर माहौल का मुशाहिदा उसे कहेंगे। तो हम यहाँ पर माहौल की साइंटिफिक तारीफ देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में देखो बच्चों, आप लोगों को आसपास कई दुकानें नजर आएंगी, कहीं कपड़े की दुकानें हैं, कहीं बाजार है, कहीं गोश्त की दुकानें हैं, कहीं मछलियों की दुकानें हैं, कहीं सब्जी तरकारी की दुकानें। तो ये जो माहौल है बाजार का माहौल है, ठीक है। अगर हम स्कूल में जाते हैं बच्चों, स्कूल का माहौल तो हमें बहुत पसंद आता है। हमें पता है कि स्कूल में हमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स नजर आते हैं, हमारा एक ग्राउंड होता है, हमारे साइंस की लैब होती है, लेबोरेटरी होती है, लाइब्रेरी होती है। उसके अलावा आप लोगों को अपना क्लासरूम नजर आता है, क्लासरूम में हमारा तख्तेसिया है। तो हमें ऐसा इमेजिन होता है, ऐसा हम सोचते हैं कि ये स्कूल का माहौल है। उसी तरह से अगर हम साइंटिफिक तरीके से अगर देखेंगे कि माहौल की तारीफ जो है एक सिंपल वर्ड्स में लिखी गई है, जो कि इस तरह से है, माहौल जानदार और गैर जानदारों से मिलकर माहौल बनता है। सबसे पहला ये लाइन जो हमें अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है। अगर हम इसमें से एक भी वर्ड मिस करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी तारीफ मुकम्मल नहीं होगी। माहौल जो है जानदारों और गैर जानदारों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब हमारा दूसरा नुकात आता है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा गिजाई जंजीर। अब गिजाई जंजीर किसे कहेंगे हम। गिजाई जंजीर में देखो बच्चों, हर एक जानदार दूसरे जानदार पर मुनसर है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी की वजह से घास की पैदावार, घास की नशोनुमा अच्छी होती है। इसमें जमीन की जरखेजी, नमकिया वगैरह सब जो है एक दूसरे में शौई तरकीब का अमल करते हैं और सूरज की रोशनी की मदद से ये नशोनुमा पाते हैं। और इन घास को खाने वाले जो जानदार है, जैसे तितली है, इसके अलावा नागतोड़ा वगैरह जो है, इन जानवर अपनी घास फूस वगैरह को खाते हैं और अपनी गिजा हासिल करते हैं, अपनी नशोनुमा पाते हैं। उसको इसके अलावा और इन नागतोड़े और तितलियों को खाने वाले जो है मेंढक और जैसे बड़े जानवर वगैरह इसमें शामिल है। तो ये एक छोटी सी गिजाई जंजीर है। गिजाई जंजीर के लिए हमें साइंस तारीख बहुत अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पर लिखी गई है।
देखो यहाँ पर डिजाइन जीव नबातात और हैवानात, नबातात और हैवानात गिजा के लिए एक दूसरे पर मुनस्सर होते हैं। नबातात और हैवानात गिजा के लिए एक दूसरे पर मुनस्सर होते हैं, इसे गिजाई जाल या गिजाई जंजीर कहते हैं। समझ में आया बच्चों? ये तारीफ है, आप लोगों को बाय हार्ट करना है, अपने दिल के अल्फाज हम इसमें नहीं लिख सकते। उसके अलावा जो यहाँ पर हमको गिजाई जाल देखना है वो देखो यहाँ पर दिखाई देगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो है फूल वाले पौधे मकई, यानी कि जो भी पौधे हैं, जो भी घास फूस है, ये किससे नशोनुमा पाते हैं? सूरज की रोशनी से। सूरज की रोशनी की वजह से इनकी नशोनुमा होती है। इनकी नशोनुमा होने के बाद जब ये गिजा के लायक हो जाते हैं तो इनको खाने वाले दूसरे जानवर हैं, जैसे के नाकतोड़ा, तितली, मक्खियां वगैरह। ठीक है, अब इनको ये लोग जो है इनकी गिजा ये है, जैसे नाकतोड़ा, तितली, मक्खी वगैरह की गिजा है घास फूस वगैरह। उसके अलावा ये जो नाकतोड़ा, तितली, मक्खी वगैरह ये जो है इनको खाने वाले कोई और बड़े जानवर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेंढक है और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे है। उसके अलावा उन्हें और खाने वाले, उनको उनकी गिजा बनाने वाले जो कोई और बड़े जानवर है, जैसे कि यहाँ पर सांप वगैरह दिखाई दे रहा है आपको, चील दिखाई दे रही है आपको। तो इस तरह से हमारी गिजाई जंजीर और गिजाई जाल जो है वो कंटिन्यू में रहता है। समझ में आया आप लोगों को? उसके अलावा आज जो है हम उसके बाद ये हमारे तीन नुकात जो है आप लोगों को क्लियरिफाई हो गए होंगे अच्छे से। अब इसके आगे जो है आभि चक्र। आभि चक्र किसे कहेंगे? हमें ये चीज पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर तीन मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश। आपको मालूम है हर साल बारिश होती है, चार महीने बारिश होती है। तो इसके लिए जो है हमारा एक निजाम बना हुआ है। और इस आभि चक्कर में हमें क्या नजर आता है वो देखेंगे। इस शक्ल में आप देखेंगे बच्चों बादल नजर आ रहे हैं, पेड़ नजर आ रहे हैं, घर नजर आ रहे हैं, ये पानी जो है ऊपर जाता हुआ भाप जो है ऊपर यहाँ पर पानी नजर आ रहा है, और ये पानी जो है भाप बनकर आसमान में जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, बादल बनता हुआ हमको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है पानी भाप बनकर बादल में चला जाता है। इस अमल को अमल तबखीर कहते हैं। और यही पानी बादल बनने के बाद ठंडा होकर फिर कई अरसा, जैसे कि 3-4 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद ये पानी फिर से बारिश बनकर जमीन पर आता है, और इस अमल को आभि चक्कर कहते हैं। और ये अमल जो है कंटिन्यूटी में चालू रहता है, बिल्कुल इसमें रुकावट नहीं है। ये हमारे माहौल का, ये हमारे कुदरती निजाम है। ठीक है, अब उसकी और एक मिसाल हम यहाँ और एक तस्वीर में हम देखेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जमीन है हमारी गोल, इस पर रहने वाले मुख्तलिफ किस्म के जानदार है जो हमको नजर आ रहे, और यहाँ पर पेड़ नजर आ रहा, यहाँ पर पानी नजर आ रहा। उसी तरह से जैसे बादल ठंडे होकर अमले तकसीफ का अमल होता है और फिर से बारिश होती है, फिर ये बारिश भाप बनकर आसमान में चले जाते हैं, और ये बादल बनकर बाद में एक चक्कर कंप्लीट होने के वक्त में ये फिर से जमीन पर आते हैं। ठीक है, तो ये किसे कहते हैं? आभि चक्कर। और हमारा आखिरी नुक्ता जो है इस सबक का, जो कि यहाँ पर शौइन तरकीब। शौइन तरकीब का अमल किसे कहते हैं? शौइन तरकीब का अमल उसे कहते हैं जो कि, अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको नबातात नजर आ रही, ये तस्वीर है। अब यहाँ पर मैं आपको रियल नबातात आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर ये नबातात में आपको यहाँ पर जड़ नजर आ रही है, तना है, पत्ते है, और ये पौधा अगर बढ़ गया तो इसमें फूल और फल भी लगेंगे। ठीक है, तो आप देखो बच्चों ये जो पौधा है इसकी तस्वीर हमने यहाँ पर बनाई है। आप देखो यहाँ पर जो है, जो कि ये है जड़, यहाँ पर ये जो मिट्टी है, मिट्टी अपनी जरखेजी, और ये पौधा सूरज की रोशनी की मदद से, पत्तों की मदद से अपनी गिजा हासिल करता है, जमीन की जरखेजी से नमकियात हासिल होते हैं, और ये पौधे की नशोनुमा होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जानदार है, ये एक किस्म का जानदार पौधा है। ठीक है, जब तक वो जमीन पर लगा है, जब तक वो जमीन से अलग ना हो जाते, उसमें मुकम्मल तौर पर जान है, और सूरज की रोशनी की मदद से, जमीन की जरखेजी की मदद से वो अपनी नशोनुमा पाता है और बढ़ता ही जाता है।
अब इसके आगे देखो बच्चों, यही शक्ल शॉई तरकीब, ये जो तस्वीर है इसमें हम आपको और एक टीचिंग एड के जरिए बताते हैं। यहाँ देखो, ये एक पौधा है, यहाँ पर आपको जड़े नजर आ रही, जमीन के जरिए जड़े जो है अपनी नमकियात हासिल करते हैं। जड़े इस नमकियात को पत्तों में मौजूद खिजरा की मदद से तने में पास करते हैं, या फिर वहां पर क्या कहेंगे इसको, जड़े जो है अपनी गिजा हासिल करते हैं और तने तक पहुंचाते हैं। तने पौधा जो है अपने नशोनुमा करता है, जैसे पत्ते हैं, कली है, पत्ते हैं, तना है, फूल है वगैरह। ये सब काम कब हो रहा, जब सूरज अपनी रोशनी दे रहा और जमीन अपनी जरखेज दे रहा, तो इस अमल को शौई तरकीब का अमल कहते हैं, शौई तरकीब का अमल कहते हैं। तो ये अमल को साइंस के जबान में जो तारीफ है वो हमें अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। तो वो तारीफ कुछ इस तरह से है, देखो यहाँ पर, शौई तरकीब, इस अमल में नबातात सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खिजरे का इस्तेमाल करके अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं। ये तारीफ हमें बाय हार्ट होना चाहिए। हमारी तारीफ में कोई लिखने में या याद करने में अगर एक लफ्ज भी छूट जाता है तो हमारा जवाब, हमारी तारीफ जो है वो गलत होगी। फिर से आज हम रिमाइंड करेंगे, माहौल के तवाजन में हमने क्या क्या सीखे। सबसे पहले पांच नुकात पर हमने रोशनी डाले हैं। तो पहला नुकता है माहौल का मुशाहिदा करना। माहौल किसे कहेंगे, माहौल की तारीफ वो है, माहौल किसे कहेंगे, माहौल की साइंसी तारीफ जो इस तरह से है, जानदार और गैर जानदार मिलकर हमारा एक माहौल बनाते हैं, ठीक है। दूसरा जो है गिजाई जंजीर, नबातात और हैवानात गिजा के लिए एक दूसरे पर मुनस्सर होते हैं। अगर नबातात उसमें से नहीं रहा या हैवानात उसमें से नहीं होंगे तो हमारी गिजाई जंजीर जो है नामुकम्मल रहेगी और कोई एक जानदार जो है वो बहुत ही बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नबातात उगा रहे हम लोग, बहुत से नबातात उगा रहे, लेकिन उन नबातात को खाने के लिए जानदार मौजूद नहीं है, तो फिर वो नबातात पूरी दुनिया में सिर्फ आपको नबातात ही नजर आएंगे। तो अल्लाह ने इस तरह से निजाम बनाया है कि गिजाई जंजीर जो है, नबातात जो है, हैवानात गिजा के लिए एक दूसरे पर मुनस्सर होते हैं, और इस मुनस्सर के अमल को गिजाई जाल या गिजाई जंजीर कहा जाता है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट हमने सीखे यहाँ पर, शौई तरकीब किसे कहते हैं। शौई तरकीब में इस अमल में क्या होता है, नबातात सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खिजरा का इस्तेमाल करना। खिजरा मतलब क्या, पत्तों के अंदर जो है एक किस्म का मादा मौजूद रहता है जिसे कहते हैं खिजरा। ये तमाम मिलकर पौधे की नशोनुमा करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इस सबक के तमाम नुकात अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं फिर से, मतलब माहौल का तवाजन जो है, अच्छा। तो बच्चों आप लोगों को माहौल का तवाजन इस सबक में, माहौल का जानवर का मुशाहिदा और गिजाई जंजीर, गिजाई जाल और शौई तरकीब का अमल और आबी चक्कर का अमल अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपसे कहती हूँ कि ये जो जितना भी मैंने आपको समझाई हूँ या आप लोग अपने बुक में लिखेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।